तेलंगाना पुलिस को एक कटा हुआ सिर मिलता है। चेहरा सलामत था और पहचान आसान, लेकिन 350 थानों और राज्य के हर पुलिस डिपार्टमेंट को खंगाल लेने के बावजूद उस चेहरे का कोई नाम पता नहीं मिलता। शहर भर में पुलिस पोस्टर छपवाती है, लोगों के घरों तक जाकर पूछताछ करती है, पर कोई फायदा नहीं। फिर इसी दौरान एक तस्वीर पुलिस को एक घर तक ले जाती है। पुलिस उस घर में पहुंचती है, घर के अंदर एक फ्रिज था। फ्रिज का दरवाजा खोला जाता है और इस बार दिल्ली की श्रद्धा हैदराबाद की फ्रिज से बाहर निकलती है, इस बार भी टुकड़ों में। मई 2022 दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या। और इस हत्या के ठीक 365 दिन बाद दिल्ली से 1583 किलोमीटर दूर हैदराबाद में ठीक वैसे ही एक और वारदात। 17 मई 2023 हैदराबाद में कूड़े के ढेर से एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद। मौत के इस खौफनाक मगर अजीब सिलसिले पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से श्रद्धा मर्डर केस के ठीक एक साल बाद जो कहानी सामने आई है उसने लोगों को झिंझोड़ दिया है। मौत की यह कहानी बिल्कुल किसी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तर्ज पर ऐसे दोहरा दी गई है मानो कातिल ने कत्ल करने से लेकर लाश निपटाने तक की हरेक करतूत सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा मर्डर केस को देखकर ही कॉपी किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 मई की सुबह के ठीक 7:34 पर। शहर के तिगाला गुडा रोड पर नगर निगम के कुछ कर्मचारी रोजाना की तरह सड़क किनारे मौजूद इस जंपिंग ग्राउंड में साफ सफाई का काम देख रहे थे। तभी सुधाकर नाम के एक कर्मचारी की नजर एक काली पॉलीथीन पर पड़ी जिसे काफी टाइट तरीके से पैक किया गया था। सफाई के सिलसिले में सुधाकर ने ये काली पॉलीथीन खोल दी और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगा। पॉलीथीन खोलते ही सुधाकर के मुंह से चीख निकल गई और वो पैकेट को दूर फेंकते हुए पीछे हट गया। इस पॉलीथीन में कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी सिर था। जी हाँ, एक महिला का कटा हुआ सिर। देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और अगले कुछ मिनटों में शहर की मलकापेट थाने की पुलिस मौके वारदात पर मौजूद थी। पुलिस ने कटा हुआ सिर बरामद कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया और इसके साथ कत्ल और सिरकटी लाश की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। पुलिस ने इस जांच में शहर के 335 थानों के SHOs को शामिल किया, 450 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और 250 से ज्यादा गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की कवायद शुरू कर दी। और फिर एक हफ्ते का वक्त गुजरते गुजरते इस कटे सिर से जुड़ी जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को दहला दिया। ठीक साल भर बाद दोहराई गई श्रद्धा मर्डर केस जैसी वारदात। हैदराबाद में लिव इन पार्टनर ने की महिला की हत्या। आशिक ने कत्ल के बाद स्टोन कटर से किए लाश के टुकड़े। फिर किश्तों में ठिकाने लगाता रहा महिला की लाश। रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए भेजता रहा फर्जी SMS। मामले की जांच में जुटी हैदराबाद पुलिस के लिए मारी गई महिला की पहचान पता करना सबसे पहली चुनौती थी और इसके लिए पुलिस ने पहले ही दिन से महाअभियान की शुरुआत कर दी थी। इस सिलसिले में पुलिस ने अपने ही डिपार्टमेंट के उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी महिला के कटे सिर की तस्वीरें सेंड की जिस ग्रुप में 750 से ज्यादा थानों के इंचार्ज जुड़े हुए थे। और करीब 5 दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस इस महिला की पहचान पता करने में कामयाब हो गई। महिला की पहचान शहर के दिलसुख नगर की रहने वाली 55 साल की यारम अनुराधा रेड्डी के तौर पर हुई और इसी के साथ अनुराधा के कत्ल की सिहरन पैदा करने वाली कहानी का भी खुलासा हो गया। वैसे तो अनुराधा शादीशुदा थी
लेकिन अपने पति की मौत के बाद वो करीब 15 सालों से अकेली रह रही थी। वो इतने ही दिनों से चंद्रमोहन नाम के एक शख्स को जानती थी। चंद्रमोहन अनुराधा से 7 साल छोटा यानी 48 साल का था। पति से अलग होने के बाद उसकी चंद्रमोहन से नजदीकी बढ़ गई और फिर वो चंद्रमोहन के साथ ही उसके दिलसुख नगर वाले मकान में शिफ्ट हो गई। क्योंकि वो पहले से ही अलग रहती थी, कुछ एक दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा उसकी ज्यादा किसी से बातचीत नहीं होती थी। लेकिन इन्हीं हालात के बीच एक रोज अनुराधा रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो गई। 12 मई 2023, यही वो तारीख थी जब नर्स का काम करने वाली अनुराधा को लोगों ने आखिरी बार जिंदा देखा था। इसके बाद उसके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने कई बार अनुराधा से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा से उनकी बात नहीं हो सकी। हालांकि अनुराधा के मोबाइल फोन से एसएमएस के जरिए उन्हें जवाब जरूर मिलता रहा और फिर इसी तरह एक एक दिन गुजरता रहा। उधर कटे सिर की पहचान पता करने की कोशिश में जुटी पुलिस ने जब मौका वारदात के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उनका शक एक ऑटो रिक्शे पर सवार एक शख्स पर गया। इस शख्स ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, लिहाजा उसे पहचानना मुमकिन नहीं था। लेकिन इसने पॉलिथीन में पैक कटा हुआ सिर फेंकने के लिए जाने के दौरान एक होटल से पानी की एक बोतल खरीदी थी और इत्तेफाक से पानी की इस बोतल के लिए उसने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया था और इसी यूपीआई ट्रांजैक्शन के सहारे पुलिस ने उसकी पहचान पता कर ली। ये दिलसुख नगर का रहने वाला चंद्रमोहन था। अब पुलिस अनुराधा को ढूंढते हुए दिलसुख नगर के चंद्रमोहन के घर पहुंची। वहां चंद्रमोहन तो मिला ही, लेकिन चंद्रमोहन के पकड़े जाने के साथ ही अनुराधा के कत्ल की भयानक कहानी भी सामने आ गई। चंद्रमोहन ने पहले तो पुलिस की पूछताछ में ऐसी किसी वारदात में शामिल होने की बात से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी घेरेबंदी करने के साथ साथ उसके घर की तलाशी ली तो घर के फ्रिज से अनुराधा के कटे हुए हाथ पांव बरामद हुए। वहीं एक बड़े से ट्रंक यानी लोहे के बक्से से अनुराधा की धड़ भी हाथ लग गई। चंद्रमोहन ने कबूल किया कि उसने 12 मई को ही अनुराधा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी और इसके बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें किश्तों में ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में चंद्रमोहन ने बताया कि उसका अनुराधा से पुराना रिश्ता था। अनुराधा उसके मकान में ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी जबकि वो खुद फर्स्ट फ्लोर पर अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रहता था। अनुराधा नर्स का काम करने के साथ साथ लोगों को ब्याज पर रुपए भी उधार दिया करती थी। इस साइड बिजनेस की वजह से उसके पास अक्सर कैश रहा करता था। साल 2018 में उसने अनुराधा से 7 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन वो अब तक ये रुपए अनुराधा को वापस नहीं कर सका था। दूसरी ओर अनुराधा उससे अपने रुपए वापस मांगती थी और अब इन्हीं रुपयों के लिए उसे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी थी। रोज रोज के इस झगड़े से पीछा छुड़ाने के लिए ही चंद्रमोहन ने अनुराधा के कत्ल की साजिश रची। After 5-6 days of investigation, we have ruled out many people. So in that one person was, his movement was very suspicious. So we tracked that person. So we caught his identity also. So we searched his house. During that time, we found a very bad smell is coming out of his home. So we were confirmed that the body is still, the remaining parts of the body is also still present in that. So we caught the accused. He confessed that he has killed the lady. 12 मई 2023 की दोपहर को इन 7 लाख रुपयों को लेकर उसकी अनुराधा से लड़ाई हुई और गुस्से में उसने घर में रखे चाकू से एक के बाद एक कई वार कर अनुराधा को मौत के घाट उतार दिया। उसने अनुराधा के सीने और पेट में कई चाकू मारे। जब वो अनुराधा की जान चली जाने को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया तब उसने लाश निपटाने की तैयारी शुरू की। लेकिन कत्ल की अब तक की ये कहानी जितनी भयानक थी, लाश निपटाने की उसकी साजिश उससे भी ज्यादा अजीब और डराने वाली। चंद्रमोहन ने अनुराधा नामक एक महिला के साथ अवैध संबंध, शारीरिक संबंध रखते हुए उसके साथ कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसों की लेन देन भी उनके बीच हुई थी, जिसकी वजह से 12 मई को उनके बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ जिसको लेकर चंद्रमोहन ने अनुराधा की हत्या की इसी घर में। चंद्रमोहन ऊपर के माले में रहता था और अनुराधा यहाँ पर नीचे के पोर्शन में इस घर के अंदर रहती थी। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक।